हाय फ्रेंड्स, आप सबको तो अपडेट मिल ही गया होगा यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम की तरफ से। जिस जिसके चैनल पर 4,000 घंटा वॉच व्यू और 1,000 सब्सक्राइबर ना हो उनका मोनेटाइजेशन डिसेबल कर दिया जाएगा 20 फरवरी 2018 से। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है फ्रेंड्स। इंडिया में 75% आपको न्यू यूट्यूबर मिल जाएंगे जिनके चैनल पर ये होना इम्पॉसिबल है, जब वो भी 4-5 साल के अंदर होने वाला नहीं है, कभी नहीं होगा ये 4-5। तो मैं उन सारे बड़े यूट्यूबर से ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ, ये एक आवाज़ उठाना चाहता हूँ सारे अपने छोटे या नए यूट्यूबरों की तरफ से, एक क्वेश्चन उठाना चाहता हूँ कि क्या वो हमारे इस मुसीबत में मदद करेंगे। जैसे कि टेक्निकल गुरु जी, शर्मा जी, टेक्निकल माई स्मार्ट सपोर्ट, टेक्निकल दोस्त, सारे बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनके मिलियंस में आजकल वो लोग खेल रहे हैं। हाँ जी, बड़े यूट्यूबर्स हैं, मिलियन में खेलते हैं ये, अच्छी बात है सर, आप भी खेलिए, पर हमें भी तो थोड़ा देखिए सर। छोटे यूट्यूबर है, नए यूट्यूबर है सर, कहाँ से आएगा 4,000 घंटा व्यू? कहाँ 4,000 घंटा व्यू का मतलब सर 2,40,000 मिनट होते हैं सर, जो कि किसी के चैनल में पॉसिबल नहीं है सर। हम सारे यूट्यूबर्स आपसे इंस्पायर हुए हैं, सारे जितने सारे यूट्यूबर्स, नए यूट्यूबर्स आ रहे हैं आजकल यूट्यूब पे, सारे हम लोग आप लोगों से इंस्पायर हो रहे हैं। आप तो क्या सर, आपका फर्ज नहीं बनता कि आप हमारी मदद करें? आप भी एक आवाज़ उठाइए सर। सोचिए, आपके तो डेली के व्यू आ जाते हैं, डेली के सब्सक्राइबर आ जाते हैं, डेली के आपका डॉलर बढ़ जाता है सर। तो सर आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि सर आप लोग सब लोग मिल के हमारी मदद करें। हमारे जितने सारे नए यूट्यूबर हैं, 75% सर नए यूट्यूबर्स हैं हमारे, जिनके चैनल पे 1,000 सब्सक्राइबर तो हो गए होंगे लेकिन 4,000 घंटा वॉच टाइम कभी नहीं हुआ होगा सर। तो सर प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसे कम किया जाए या इसके इसको हटा के दूसरा कोई रूल किया जाए सर। आप अगर आप लोग आवाज़ उठाते हैं तो ये ज़रूर पॉसिबल है सर, ज़रूर हो जाएगा सर। हम सब सर, आप लोग जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं सर, सब आपके व्यू हमारे तरफ से ही जाते हैं, हम छोटे यूट्यूबरों की तरफ से ही ज़्यादा जाते हैं सर। नहीं तो कोई भी जॉब वाला पर्सन या कोई भी एक सेटल आदमी आपकी वीडियो नहीं देखता है सर, क्या ज़रूरत है उसको देखने की? वो तो 8 घंटा गया, जॉब किया, ऑफिस में रहा, घर आया, फिर से खाना पीना, सोना और फिर से सुबह उठ के फिर से अपने जॉब पे। आप लोगों की एक छोटी सी हेल्प के चलते हमारे इतने सारे यूट्यूबरों की लाइफ बच जाएगी सर। सर हम लोग सर, आप लोग जितने बड़े यूट्यूबर हैं सर, आप सभी बोलते हैं कि पेशेंस रखो, पेशेंस रखो सर। कितना पेशेंस रखे सर, कितना पेशेंस रखे? 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल कितने पेशेंस रखे? उतने में तो हमारी लाइफ ही नहीं रह जाएगी, ना कॉलेज लाइफ रह जाएगी, ना स्कूल लाइफ रह जाएगी, सारे जॉब पे लग जाएंगे फिर से। हम लोग यूट्यूब पे आए थे कि यार चलो कुछ पार्ट टाइम इनकम हो जाएगी, हमारी पढ़ाई भी चलती रह जाएगी और कुछ पार्ट टाइम इनकम भी हो जाएगी। तो 4-5 साल कोई वेट नहीं कर सकता है, सबके सब यूट्यूबर छोड़ देंगे सर, कोई आपकी वीडियो तक व्यू नहीं कर पाएगा सर। सर आप सब ने मिल के एक आवाज़ उठाई थी ट्रेंडिंग सेक्शन के बारे में सर, वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। धर्मेंद्र सर का इसमें बहुत बड़ा हाथ था सर, जैसे कि आप लोग ट्रेंडिंग सेक्शन को साफ किए, प्लीज़ उसी तरह हमारी भी मदद कर दीजिए। हम छोटे नए यूट्यूबरों के, नहीं तो सर कल से कोई यूट्यूब पे नहीं आएगा, क्या सोचेगा यूट्यूब पे आकर क्या करेगा? अगर कहीं पर भी हम कुछ जॉब करते हैं, कोई काम करते हैं, कुछ भी करते हैं यार, हाँ उसके बदले हमें कुछ मिलता है, इंटरेस्ट बना रहता है कि यार हाँ चलो, और दिल लगा के हम लोग मेहनत करते हैं उसमें कि हाँ यार चलो कुछ तो प्रॉफिट हो रही है, कुछ तो मिल रहा है, हमारे मेहनत का फल मिल रहा है। पर यहाँ पे अब तो और बढ़ गए सर, एक तो हमारी CPC इतना कम हो गया कि हमारे छोटे नए यूट्यूबर को ये एकदम CPC $0.00 आती है सर, $1 तो सर आप भूल जाइए, कम से कम 20 से 25 हज़ार तक ले, जब तक व्यू नहीं आते $1 कंप्लीट नहीं होते हैं। और हमारे सामने एक बहुत बड़ा टारगेट पहले से रखा हुआ है $100 का, जो कि हम कितनी भी मेहनत कर लेते हैं 5-6 महीने तक हमारे $100 कभी कंप्लीट नहीं होते हैं। तो सर हम लोग ऑलरेडी इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, पहले तो 10,000 व्यू लाओ, उसके बाद आप $100 कीजिए, तब आपकी पेमेंट स्टार्ट होगी। सर कितने हम मेहनत कर रहे सर, और फिर से ये एक नया कंडीशन हमारे सामने आ गया सर, सर कैसे पूरा होगा सर? आप लोग प्लीज़ आप लोग हमारी मदद करें प्लीज़, कुछ तो कुछ आप लोगों को करना ही पड़ेगा, नहीं तो सर जान लीजिए आप सारे व्यूअर्स हम लोग की तरफ से आते हैं, अगर सारे छोटे यूट्यूबर खड़े हुए ना सर, आप भी नहीं बच पाइएगा सर। सर इसे धमकी नहीं सर, आप रिक्वेस्ट समझिए सर कोई भी। और मैं उन सभी सारे यूट्यूबरों से कहना चाहता हूँ जो कि हमारे ऐसे छोटे और नए यूट्यूबर हैं, आप सब भी एक आवाज़ उठाइए इस यूट्यूब के कंडीशंस के सामने।
नहीं तो सर हम लोग ऐसे कोई नहीं बचने वाला है, सारे मेहनत करते ही रह जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। इस वीडियो को मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए या चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब बिल्कुल मत कीजिए सर, बिल्कुल आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, बस आप शेयर कीजिए और सब तक ये आवाज़ पहुँचाइए। सब नए यूट्यूबर अपनी अपनी आवाज़ उठाए और ताकि एक हमारे बड़े यूट्यूबर सारे भी बड़े यूट्यूबर मिलके इस पे कोई एक्शन ले और यूट्यूब अपने ये रूल चेंज करे।